हजरत अली एक बार घर तशरीफ लाए तो हजरत फातिमा ने कहा, मैंने सूत काटा है, आप इसे बाजार ले जाएं और बेचकर कुछ खाने का सामान ले आएं। हजरत अली वो सूत बाजार ले गए और उसे कुछ पैसों में बेच दिया। एक मांगने वाले ने अल्लाह के नाम पर मांगा, हजरत अली ने वो पैसे उस सवाली को दे दिए। फिर एक आदमी आया जिसके पास बहुत हट्टी कट्टी ऊँटनी थी, वो बोला कि ए अली, ये ऊँटनी खरीदोगे? हजरत अली ने फरमाया, मेरे पास पैसे नहीं है। आदमी ने कहा, उधार देता हूँ। ये कहकर ऊँटनी की रस्सी हजरत अली के हाथ में दे दी और चला गया। इतने में एक दूसरा आदमी आया और बोला, अली ऊँटनी बेचते हो? हजरत अली ने फरमाया, ले लो। उस आदमी ने हजरत अली को कुछ पैसे दिए और ऊँटनी लेकर चला गया। फिर आपने पहले वाले आदमी को तलाश किया मगर वो नहीं मिला। हजरत अली घर गए तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ जलवा अफरोज हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली ऊँटनी का किस्सा तुम सुनाते हो या मैं सुनाऊँ? हजरत अली ने अर्ज किया, हुजूर आप ही सुना दीजिए। आपने फरमाया, पहला आदमी जिब्रील था।